తెలంగాణ కు గిరిజన యూనివర్సిటీ ని కేటాయించారు అలాగే ఏపీ తెలంగాణ కృష్ణ నీటి కేటాయింపుపై కూడా చర్చ జరిగింది మరి పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కూడా కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదాన్ని తెలిపింది మరి ఇదన ఇష్యూకి సంబంధించి మరి కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం इतना पुराना प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू होते थे पूरे नहीं हो पाते थे। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम बराज लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था। तो 1993 में डैम के पानी से बेतला नेशनल प्रोजेक्ट और ये सब इलाकों में प्रभाव पड़ता तो उसके बाद उसको रोका गया। बिहार और झारखंड के साथ लगते इलाकों में लोगों को जिनकी जमीनें भी जानी या जिनका उस समय जमीन अधिग्रहण भी किया गया और प्रोजेक्ट चल भी रहा था, लेकिन 93 के बाद इस पर कोई गति नहीं बन पाई। 2017 में कैबिनेट द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की मंजूरी उस समय दी गई थी, लेकिन आज जो मंजूरी दी गई है वो राइट मेन कनाल लेफ्ट मेन कनाल को कंप्लीट लाइनिंग और गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्माण को भी पूरा करने के लिए अनुमति दे दी गई ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और इस डैम के जो प्रभावित लोग होंगे आउस्टी होंगे उनको कॉम्पनसेशन पैकेज को रिवाइज किया गया है। जनहित में एक और बड़ा निर्णय किया गया कि एक और तो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 10 हजार हेक्टेयर की भूमि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई योग्य बनाया जाएगा 10 हजार हेक्टेयर की भूमि को। वहीं पर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको 6.5 लाख रुपया का अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट दिया जाएगा, तो एक और सिंचाई योग्य भूमि हो जाएगी, लाखों हेक्टेयर भूमि को लाखों एकड़ भूमि को वहां पे लाभ मिलेगा इसको। और दूसरी ओर जिनकी जमीन गई उनको इसमें से 6.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट मिलेगी। एक अंतिम निर्णय जो मैं आपको से अवगत करवाऊंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड टेनेंसी रेगुलेशन 2023, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव टेनेंसी रेगुलेशन 2023, लक्षद्वीप टेनेंसी रेगुलेशन 2023 को प्रोमुलगेट करने का निर्णय किया गया है, इसको घोषणा की गई है। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट जून 2021 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसके पीछे मूल उद्देश्य था कि इस रेगुलेशन के द्वारा मकान मालिकों एवं किराएदारों के हितों और अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जा सके, जिससे मकान मालिक किराए पर अपने मकान को देने के लिए उसको कोई चिंता ना हो क्योंकि अधिकार एक बराबर होंगे, और इसके लिए मकान बनाने और खरीदने के लिए उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा, और शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े मकानों को किराएदारों को उपलब्ध भी कराए जा सकेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को भी हम इसके माध्यम से प्राप्त करने में सहायक होगा। संविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार अंडमान निकोबार आइलैंड दादर नगर हवेली दमनदीव लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन बनाए जाने का प्रावधान है, और इसके जो रेगुलेशन के मेजर फीचर्स क्या हैं, इसके लागू होने के बाद किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। दूसरा, एग्रीमेंट की लिखित सूचना राज्यों में नियुक्त जो रेंटल अथॉरिटी है